नमस्कार मैं हूं शशि आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री हेमंत को लिखा पत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राज्य के हायर एजुकेशन के स्टेटस को लेकर चिंतित है वह चाहते हैं कि झारखंड में प्रोफेसर और लेक्चर की नियुक्ति एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हो उन्होंने इसके लिए बिहार के सिस्टम का हवाला दिया है राज्यपाल ने यह बातें गिरिडी दौरे के क्रम में कही है बता दें गिरिड में राज्यपाल ने मीडिया को बताया है कि इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा गया राज्यपाल चाहते हैं कि हर पद पर उसके योग्य व्यक्ति हो उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार प्रोफेसर और लेक्चर की नियुक्ति के लिए एक सेपरेट सिस्टम तैयार कर लेगी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी राज्यपाल ने इस बात पर विशेष फोकस दिया है कि नियुक्ति के दौरान रिजर्वेशन सिस्टम को गंभीरता के साथ सुनिश्चित कराया जाए इसी दौरान यह पूछे जाने पर कि झारखंड की सरकार किस तरह का काम कर रही है इस पर भी राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि चूंकि वह एक संवैधानिक पद पर हैं इसलिए इस सवाल का जवाब देना सही नहीं रहेगा मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में एक बार फिर तपिस भरी गर्मी का एहसास लोगों को होने वाला है मौसम केंद्र ने अगले पाँच दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है हालांकि मौसम केंद्र रांची के अनुसार राज्य में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद इस दौरान हीट वेव चलने की उम्मीद नहीं है रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक प्रीति गुणवानी ने कहा है कि झारखंड के ऊपर अभी किसी तरह के सिस्टम का प्रभाव नहीं है मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक प्रीति गुणवानी ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है इसके अगले 24 से 48 घंटे के अंदर लो प्रेशर में बदल जाने की उम्मीद है उड़ीसा में सीएम हेमंत को दिखाया गया काला झंडा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को उड़ीसा में काले झंडे दिखाए गए वे संताली भाषा के लिए ओलचिकी लिपि विकसित करने वाले आदिवासी आइकॉन पंडित रघुनाथ मुर्मू का स्मारक की यात्रा करने पहुंचे थे तभी वहां पर उनके विरुद्ध विरोध होना शुरू हो गया और उन्हें काला झंडा दिखाया गया काला झंडा दिखाते हुए लोग नारेबाजी भी कर रहे थे हालांकि तुरंत पुलिस ने इस मामले को संभाल लिया और नारेबाजी कर रहे लोगों को खदेड़ दिया बता दें कि इन दिनों सीएम हेमंत सोरेन उड़ीसा यात्रा पर है इसी यात्रा के दौरान वे मयूभ जिले पहुंचे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महान संताली विद्वान को श्रद्धांजलि देने के बाद शुक्रवार को रायनपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित दंडबोस गांव पहुंचे जहां उनके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया और काले झंडे दिखाए गए प्रदर्शन कर रहे लोग सीएम सोरेन पर आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे थे इस प्रदर्शन का नेतृत्व तो पूर्व सांसद शालखन मुर्मू कर रहे थे रविवार को रांची के दस केंद्रों पर होगी नीट की परीक्षा नीट परीक्षा के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है परीक्षा रविवार को रांची के दस परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए कई गाइडलाइन भी जारी की गई है बता दें देश भर के विभिन्न भी मेडिकल कॉलेजों में दाखिला के लिए राष्ट्रीय पत्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट रविवार सात मई को आयोजित की जाएगी रांची में इसके लिए दस परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ करीब दस विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे परीक्षा के दौरान अंगूठी ब्रेसलेट जैसे आभूषण पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके अलावा परीक्षार्थियों को कई नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा बता दें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अभ्यर्थियों को अंगूठी ब्रेसलेट नाक के आभूषण चैन हार कान के आभूषण पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं आना होगा मैट्रिक इंटर की कॉपिया जांच रहे शिक्षकों ने की हॉल्टेज बढ़ाने की मांग झारखंड अकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 का मूल्यांकन कार्य कर रहे धनबाद के शिक्षकों ने होल्टेज बढ़ाने की मांग की है शिक्षकों ने जैक के अध्यक्ष को पत्र लिखकर होल्टेज दो सौ से बढ़ाकर पाँच सौ करने और सी ए व रेफ्रेशमेंट चार्ज पैंतालीस रुपये से बढ़ाकर दो सौ करने की मांग की है मांग करने वालों में डी के झा शामिल हैं ड्रग पेडल्स के सिकंजे से बच्चों को बचाने की पहल शुरू रांची पुलिस ने छात्रों में बढ़ते ड्रग्स के लत और ड्रग्स पेडल्स की बढ़ती सक्रियता को लेकर स्कूल और कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक की है सीटीएसपी टी जैन ने सभी से ड्रग्स के बारे में किसी भी तरह की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की बता दें राजधानी का युवा वर्ग बड़े ही आसानी के साथ नशे की गिरफ्त में आ रहा है स्कूल कॉलेज के बाहर ड्रग्स पेडल्स की बढ़ती सक्रियता स्कूल और कॉलेज छात्रों को ड्रग्स के आगोश में धकेल रही है ऐसे में अब रांची पुलिस स्कूल और कॉलेज प्रशासन के सहयोग से ड्रग्स के फैलाव को रोकने का काम करेगी इसके लिए पुलिस ने प्रयास भी शुरू कर दिया है बता दें रांची के जिन इलाकों में ड्रग्स पेडल्स की सक्रियता ज़्यादा है उन इलाकों में स्थित स्कूल कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ शनिवार को रांची सिटी एस ने महत्वपूर्ण बैठक की है ताकि उनके सहयोग से छात्रों को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाया जा सके नदी में फिसले विधायक इरफान अंसारी झारखंड के जामतला जिले के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को एक छोटे से हादसे का शिकार हो गए जिसके चलते उन्हें गंभीर चोट आई है वह क्षेत्र भ्रमण के दौरान आदिवासियों के विशेष आग्रह पर अर्जुन डी जोरिया पर पुल की मांग को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे थे इसी दौरान वह नदी में फिसल कर गिर गए जिस से उनके हाथों में भारी चोट आ गई है आनंद फन में लोगों ने विधायक जी को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया डॉक्टरों ने बताया है कि हाथ में हल्का फ्रैक्चर है लोहरदगा में पीएलएफआई के तीन हार्डकोर उग्रवादी गिरफ्तार झारखंड के लोहरदगा जिले के कुडू थाना पुलिस के लिए शनिवार का दिन कामयाबी भरा है बता दे पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार के निर्देश पर कुू थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है इन उग्रवादियों के पास से पुलिस ने एक पल्सर मोटरसाइकिल और दो हथियार भी बरामद किए हैं तीनों उग्रवादी पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादी और एरिया कमांडर कृष्ण यादव उर्फ सुल्तान के नजदीकी बताए जा रहे हैं हालांकि पुलिस पीएलएफआई के हार्डकोर उग्रवादियों की गिरफ्तारी को लेकर कुछ भी कहने से बच रही है हृदय रोगियों के लिए तेरह व चौदह मई को रिम्स में लगेगा निशुल्क कैंप खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित झारखंड के कारधधारी जो हृदय रोग से ग्रसित हैं उनके लिए अच्छी खबर है बता दें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से दो दिवसीय निःशुल्क हृदय जाँच शिविर का आयोजन किया जा रहा है निःशुल्क हृदय चिकित्सा योजना के तहत कैंप तेरह एवं चौदह मई को रिम्स में लगेगा हृदय रोग से ग्रसित बच्चे वयस्क एवं बुजुर्ग इस कैंप का भाग ले सकते हैं निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी सिविल सर्जन को पत्र जारी कर हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की सूची विहित प्रपत में भेजने का निर्देश दिया सभी जिला मुख्यालय से चिकित्सा पदाधिकारी की देखरेख में मरीजों को स्क्रीनिंग के लिए रिम्स लाया जाएगा स्वस्थ भारत के संकल्प से बनेगा समृद्ध भारत अर्जुन मुंडा देवघर एम्स में जनजातीय स्वास्थ्य पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन शनिवार को मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है केंद्रीय मंत्री ने देवघर एम्स को ट्राइबल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर बनाने की घोषणा की उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि आदिवासी समुदाय सहित सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए मुझे यह देखकर काफ़ी खुशी हुई है कि इको इंडिया और एम्स देवघर इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठा रहे हैं उन्होंने कहा है कि ट्राइबल हेल्थ के साथ देश का हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए अगर किसी देश का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो वहाँ विकास भी संभव नहीं है हम स्वस्थ भारत समर्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं नए भारत का संकल्प स्वास्थ्य के माध्यम से लेंगे तभी हेल्दी इंडिया बनेगा इस पर हम सब मिलकर काम कर सकते हैं ट्राइबल को संरक्षित रखने के लिए हमें डेटा को महत्वपूर्ण बनाना होगा हजारीबाग के 116 सो प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई हजारीबाग जिले में नगर पालिका और सदर प्रखंड के 116 निजी व सरकारी विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई होगी डीईओ उपेंद्र नारायण ने शनिवार को बीईओ नागेंद्र सिंह को पत्र भेजकर इस बाबत निर्देश दिया है इसमें चौरासी निजी एवं बत्तीस सरकारी विद्यालय पर कार्रवाई करने को कहा गया है बता दें इस सूची में शहर के कई नामी निजी विद्यालय भी शामिल हैं है। सीबीएसई से मान्यता एवं यूडस कोड मिले सभी निजी विद्यालयों से इकतीस मार्च दो तक अपने अपने स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का चाइल्ड मैडेंट्री डाटा पिता का नाम माता का नाम जन्मतिथि जाति अन्य संबंधित मांगी गई थी बता दें अप्रैल महीना बीत गया मई महीना भी शुरू हो गया है। अधिकतर स्कूलों ने समय पर डाटा जमा नहीं किया है चार मई को शिक्षा सचिव ने समीक्षा बैठक में डीईओ को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया था समय पर डाटा जमा नहीं करने वाले निजी एवं सरकारी विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा था जनसेवक नौ से चले जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राज्य के जनसेवकों ने शनिवार को राजभवन के समक्ष अपनी मांगों को लेकर धरना दिया है जनसेवकों ने कहा है कि सेवा के ग्यारहवें वर्ष में सेवा संपुष्टि और एम का लाभ लेने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षडयंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड पे चौबीस से घटाकर दो हज़ार रुपये कर दिया है जिससे उनमें रोष है उन्होंने कहा है कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो 9 मई से वे अनिश्चितकालीन हथार पर चले जाएंगे उन्होंने कहा है कि जनसेवक न केवल कृषि विभाग बल्कि अन्य विभागों के भी पर्यवेक्षीय पद जैसे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सहायक गोदाम प्रबंधक प्रखंड कल्याण पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक के साथ साथ निर्वाचन से संबंधित कार्यों का भी निष्पादन करते हैं झारखंड की गीत संगीत नृत्य कला की देश दुनिया में विशिष्ट पहचान राज्यपाल राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन ने शनिवार को आर्यभट्ट सभागार रांची में युवा रंगमंच के तत्वाधान में आयोजित सांसद संस्कृति महोत्सव 2023 को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अधिक समृद्ध है उन्होंने कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा है कि, कि किसी भी राष्ट्र के विकास में संस्कृति की अहम भूमिका होती है उन्होंने कहा है कि हमारे देश में विभिन्न जाति धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं लेकिन हम सभी एक हैं हमारा देश पूरे विश्व में विविधता में एकता का उत्कृष्ट व अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है राज्यपाल ने कहा है कि हमारा झारखंड राज्य गीत संगीत, कला आदि के क्षेत्र में अत्यंत ही समृद्ध है इसकी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी एक विशिष्ट पहचान है चाईबासा में जंगली भालू के हमले में दो जख्मी जंगली भालू के हमले में मंझारी के संग्राम स्कूल साई गांव निवासी 18 वर्षीय कोलाय हैसा और पचपन वर्षीय कोई सवैया गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह लगभग पाँच बजे दोनों अलग अलग जंगल की ओर शौच के लिए गए हुए थे अचानक से दो जंगली भालुओं ने इन पर हमला कर दिया भालुओं ने दोनों के सिर चेहरा और पीठ को नाखून से नोच लिया है जिससे वह जख्मी हो गए दोनों को ग्रामीणों की मदद से घटनास्थल से उठाकर उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया धनबाद में बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम धनबाद में परिवार नियोजन कार्यक्रम सभी प्रखंडों में विशेष अभियान के रूप में चलाया जाएगा सरकारी अस्पतालों और सभी आठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष काउंसिलिंग की व्यवस्था और ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है शनिवार को मुख्यालय की ओर से धनबाद को परिवार नियोजन से संबंधित आवश्यक दवाई और सामान भेजे गए लगभग पचास हजार कॉन्डोम गर्भ निरोधक गोली जैसे माला एन इमरजेंसी पिल्स छाया और अंतरा सुई भी भेजी गई बता दें जुलाई में स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा विभाग की ओर से इस बार बड़े पैमाने पर, पर परिवार स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर सभी प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिए गए इसके साथ ही जिला स्तर पर डॉक्टरों के रोस्टर भी बनाए गए हैं जेल में बंद विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत का मामला झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा में डायन का आरोप लगाकर भीड़ द्वारा वृद्ध दंपति की हत्या कर दी गई इसके बाद पुलिस ने कई आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसमें से एक आरोपित सेधु मुंडा की जेल में ही मौत हो गई बता दें इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हैरानी जताई है उन्होंने जेल में बंद आरोपित की पिटाई का आरोप लगाया है साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर मौत की न्यायिक जाँच कराने की मांग की उन्होंने कहा है कि फोटो में साफ दिख रहा है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान है साफ है कि जेल में आरोपित की पिटाई की गई है इस कारण उसकी मौत हुई है आईएस छवि रंजन को झारखंड सरकार ने किया निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी छवि रंजन को झारखंड सरकार ने निलंबित कर दिया है गौरतलब है कि छवि रंजन को दो दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था इसके साथ ही अब जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जाँच कर रही ईडी अगले छह दिनों तक गिरफ्तार उनसे पूछताछ भी करेगी वहीं आज आई ए की शनिवार की रात भी जेल में ही गुजरेगी उन्हें ईडी छह दिनों की रिमांड पर रविवार की सुबह करीब साढ़े दस बजे जेल से ले जाएगी बता दें कि उनसे आगामी बारह मई तक ही ईडी को पूछताछ की अनुमति मिली है ईडी छह दिनों की रिमांड अवधि में उनसे अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी लेगी पासपोर्ट वेरिफिकेशन में पुलिस बरतेगी सख्ती पासपोर्ट पुलिस सत्यापन प्रक्रिया पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन कन्वेंशन सेंटर दुमका में शनिवार को किया गया इसमें दुमका रेंज के छह जिलों दुमका साहेबगंज पाकुड़ जामतरा गोड्डा एवं देवघर के पुलिस पदाधिकारीगण शामिल हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आईएफएस मनीता के ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बरती जाने वाली सावधानी पर ध्यान दिलाया उन्होंने दो टूक कहा है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस अधिकारी कुछ भी लिख कर एडवर्ट न कर दे कैजुअल अप्रोच न रखे संबंधित सख्त की पूरी जानकारी तथ्य के साथ दे। उन्होंने बताया कि धनबाद का एक गैंगस्टर प्रिंस खान देश छोड़कर भाग गया है उसे 2021 में पासपोर्ट इश्यू किया गया था झारखंड में कोरोना संक्रमण में कमी झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है बता दें बीते 24 घंटा में राज्य में इकतीस मरीज स्वस्थ हुए हैं वहीं पूर्वी सिंहभूम में सात मरीज स्वस्थ हुए हैं यहां सक्रिय मरीजों की संख्या बयासी है वहीं राजधानी रांची में भी सक्रिय मरीजों की संख्या चौवालीस है बता दें पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर एक पर आ गई है बोकारो में तीन देवघर में आठ धनबाद में पाँच पूर्वी सिंहभूम में बयासी गिरिडीह में सोलह गुमला में चार हजारीबाग में चार खुट्टी में दो कोडारवा में दो लोहरदगा में दस पलामू में दो रामगढ़ में तीन रांची में चौवालीस सक्रिय मरीज हैं बता दें देश भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या तीस हजार इकतालीस है सबसे ज्यादा केरल में बहत्तर सौ सड़सठ संक्रमित मरीज हैं भारत दो तक बनेगा ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत दो तक ऊर्जा इंडिपेंडेंट यानी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा इसके साथ ही 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का कर लक्ष्य रखा गया है इसे पूरा करने के लिए आईआईटी आईएसएम जैसे संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी बता दें देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आईआईटी आईएसएम ने शुरुआत कर दी है आईआईटी आईएसएम के निरसा परिसर में हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होने जा रहा है इसको लेकर हितधारकों की बैठक में यह बात निकलकर सामने आई है गो फास्ट एयरलाइंस सेवा बंद होने से रांची एयरपोर्ट का कार्गो सेवा पूरी तरह बाधित गो फास्ट एयरलाइंस सेवा बंद का असर रांची में भी दिखने लगा है बता दें रांची एयरपोर्ट के कार्गो सेवा पूरी तरह से बंद है वहीं टिकट के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है बता दें पूरे देश में गो फास्ट एयरलाइंस सेवा बंद होने के बाद इसका असर धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है झारखंड में भी इसका असर खासा दिख रहा है इसका कारण है कि झारखंड में कार्गो हैंडलिंग की जिम्मेदारी गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी को दी गई थी लेकिन तीन मई से गो फास्ट एयरलाइंस कंपनी के द्वारा सेवा बंद किए जाने के बाद राजधानी रांची के कार्गो सेवा बाधित हो गई है गंभीर रूप से घायल नाबालिग से बाल कल्याण समिति की टीम ने की मुलाकात दुमका बाल कल्याण समिति ने घायल नाबालिग से अस्पताल में जाकर मुलाकात की है बता दें चार मई को एक युवक उसके कमरे में जबरन घुस गया था दुष्कर्म की कोशिश की थी इस दौरान जब नाबालिग ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने चाकू से कई बार किए थे इस हमले में नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गई थी बता दें दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने पर युवक ने एक नाबालिग पर चाकू से कई बार किए थे इस नाबालिग का इलाज फुलोझानो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इससे मिलने दुमका बाल कल्याण समिति की टीम शनिवार पाँच मई को हॉस्पिटल पहुंची जहां उन्होंने पूछताछ की और उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया बता दे इधर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है झारखंड जदयू प्रभारी अशोक चौधरी रविवार को रांची आएंगे झारखंड में जदयू अपनी सियासी जमीनी तलाशने की कवायद में जुटा हुआ है इसी कड़ी में बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री सह झारखंड जदयू के प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी रविवार को साढ़े बारह बजे सेवा विमान से पटना से रांची आएंगे वे दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं बता दें इस दौरान जदयू कोर कमेटी के सदस्यों एवं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक का स्वच्छता अभियान व संगठन की समीक्षा करेंगे राज्यसभा सांसद सह सा प्रदेश अध्यक्ष छिरू महतो बैठक की अध्यक्षता करेंगे उक्त जानकारी प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने दी है सिविल कोर्ट का ई कोर्ट सर्विस ठप सिविल कोर्ट का ई कोर्ट सर्विस पिछले दो दिनों से ठप है जिसके कारण वकील एवं मोकिल के साथ अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम से माध्यम से वकील एवं मोक्किल के साथ कोई भी कहीं से अपने केस की अपडेट जानकारी प्राप्त करते हैं लेकिन सी आई एस ठप रहने से अदालत जाकर केस की अगली तारीख सामने अन्य जानकारी लेनी पड़ रही है कई मुवक्किल ने अपने वकील से अगली तारीख की जानकारी प्राप्त की है वहीं कुछ को केस में क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पाई बता दें पिछले महीने भी इसी तरह दो दिन सी आई ठप हो गया था ठप होने के तकनीकी कारणों का पता किया जा रहा है जे बी बी एन एल में नौकरी का मौका झारखंड बिजली वितरण निगम में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी इसमें लाइनमैन से लेकर अभियंता तक की नियुक्ति होगी जल्द ही सरकार के पास अनुशंसा भेजी जाएगी यह बातें अधिकारियों ने शुक्रवार को ऊर्जा दिवस पर प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित प्रशिक्षण सह सा कार्यशाला कार्यक्रम के दौरान कही है बता दें सी डी अविनाश कुमार ने विभाग की पत्रिका प्रगति का लोकार्पण करते हुए कहा है कि विभाग का लक्ष्य हर घर तक चौबीस घंटा सातों दिन गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुँचाना है धन्यवाद